हेलो दोस्तों दोस्तों आपने बोला कहावत सुना है ना कि जब दो लोग झगड़ रहे हों तो तीसरा इंसान उसका फायदा उठा लेता है। दरअसल आज ऐसा ही हुआ है। आज इसरो ने वन वेब के लगभग 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और आपको एक मजे की बात बता दें, इससे इसरो को लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का फायदा हुआ है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि आज इसरो ने बाजी मार लिया है क्योंकि यह जो सैटेलाइट है वनवेब के पहले रसिया लॉन्च किया करता था और सारा मुनाफा रसिया को होता था, लेकिन इस बार इसरो ने, जैसा कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से वनवेब ने रूस के साथ इस तरह के डील नहीं किए और माना जा रहा है कि इसरो वनवेब के लगभग 72 सैटेलाइट को इस साल और अगले साल मिलाकर लॉन्च करेगा और लगभग उसके लिए इसरो को 20,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा होने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसरो ने बहुत बड़ा कारनामा किया है। आपको बता दें कि एक तरह का और भी रिकॉर्ड बनाया है इसरो ने आज, और वो इस तरह से कि इसरो ने पहली बार किसी प्राइवेट फर्म के कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता है कि इसरो का जो लॉन्च रॉकेट है जिसको हम LVM के नाम से जानते हैं, इसने पहली बार किसी तरह के कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि इससे पहले इसरो अक्सर GSLV जैसे रॉकेट का यूज़ किया करता था, लेकिन अब इसरो ने LVM के ऊपर शिफ्ट कर लिया है। आपको बता दें कि इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं उनको अक्सर लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है और इस लॉन्च के साथ ही ये पूरा मिशन कंप्लीट हो जाता है। इसरो का कहना यह है कि इसके जो बाकी अगले 36 सैटेलाइट लॉन्च होने हैं वो अगले साल के मिड तक लॉन्च हो जाएंगे, यानी कि लगभग पूरे 72 सैटेलाइट। अब आपको एक अच्छी बात बताते हैं कि इस फर्म, यानी हम वन वेब की बात कर रहे हैं, इस फर्म के साथ भारतीय कंपनी भी, जिसको हम भारतीय एयरटेल के नाम से जानते हैं, उसका भी शेयर है और दोनों मिलकर, यानी कि अगर वन वेव लगभग 650 सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है तो ये बड़े आराम से ग्लोबली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, यानी कि उसका जो सर्विस होगा वो इंडिया में भी मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि एक तो इसरो द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है और ऊपर से इसमें भारतीय कंपनी का भी शेयर है और इससे भारत को काफ़ी फायदा हो रहा है, क्योंकि देखिए जब तक यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट होंगे जो इंडिया को डायरेक्ट मिलने वाले हैं। और इसरो ने खासकर इस तरह के जो मिशंस हैं, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कह सकते हैं, कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो भारत के साथ जुड़कर इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च करवाएंगी। और आप विश्वास करिए दोस्तों, डिफेंस के बाद स्पेस इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अभी भारत का योगदान बहुत कम है और यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह के एक एक लॉन्च में बहुत सारा पैसा मिलता है, वो भी हार्ड कैश में। और इसरो इससे पहले इस तरह के लॉन्च नहीं किया करता था, जबकि अमेरिका रसिया इस तरह के लॉन्च अक्सर किया करते थे और पैसा कमाते थे। आपको सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा कि भारत, खासकर इसरो, एक लंबे समय के बाद कोई लॉन्च कर रहा है और वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बना रहा है और रिकॉर्ड के साथ ही अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर रहा है जो कि पहले भारत को नहीं मिला करता था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।